हेलो डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए जो आईवीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या जीएमई की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम दिवाली के अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि 13 नवंबर मंडे 11 बजे सुबह एक नया कोर्स, एक नई मास्टर क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास। ओके, और ये 11 बजे स्टार्ट होगी और ये एक फ्री मास्टर क्लास है। स्पैमर से रिक्वेस्ट है कि वहां पे ना आए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए मास्टर क्लास है और केवल टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाने के लिए रखी जा रही है। तो अगर आप इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास का लिंक देखो, वहां पे क्लिक करो, फटाक से ज्वाइन करो और फिर हम मिलेंगे उस मास्टर क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट करो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शोभित और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको जीएमई के बारे में जानना है। जीएमई ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है ऑलरेडी ताकि आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आराम से समझ में आए, क्योंकि बहुत लोगों को जीएमई का पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा था या जीएमई की प्रिपरेशन नहीं समझ में आ रही थी। आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जीएमई का पूरा प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया क्या होता है और इसकी अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम फ्री में इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। वैसे प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ और वो पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर दो। तो मैं आपको हमारे पास में कुछ टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और आपका इंटरव्यू और आपका रिटर्न प्रिपेयर करवा देंगे। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि वीडियो को अभी रोक करके पहले गूगल फॉर्म फिलअप कर दो और फिर उसके बाद आगे का पूरा वीडियो देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, नॉट अपनी वेबसाइट, एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट पे। मैंने एंग्लो ईस्टर्न, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न एक काफ़ी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, तो मैंने एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट ओपन कर रखी है। आप देख लो यहाँ पे aema.edu.in करके है एडमिशन जीएमई, मैंने ये डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। तो आप भी ऐसे इसको चाहो तो कॉपी करके देख लेना, नहीं तो मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई थी, मैं पहले अपने इस पिक्चर को जरा साइड में कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो DNS का भी है, GME, ETO सबका है। अप्लाई नाउ करोगे तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि जीएमई एक्चुअल में क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल का ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, ठीक है। इज अ प्री सी ट्रेनिंग कोर्स, प्री सी ट्रेनिंग कोर्स मतलब इसमें आपको थोड़ी ट्रेनिंग वहाँ पर भी करनी होती है, मतलब कुछ तो इंस्टीट्यूट में होगी और कुछ जाकर के समंदर में होगी, मतलब कि ऑनबोर्ड होगी, अप्रूव्ड बाय DGS। द कोर्स कंसिस्ट ऑफ 8 मंथ लॉन्ग क्लासरूम प्रोग्राम, मतलब प्रीसी प्रोग्राम होगा, प्रीसी मतलब समुंदर में जाने से पहले वाला प्रोग्राम, 8 महीने का होगा जिसमें 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं और उसके बाद 4 महीने का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मतलब शिप पे होता है, ठीक है। बोर्डिंग और लॉजिंग पूरा फ्री होता है। अब प्रीसी कोर्स इज कंडक्टेड एट एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी AEMA करजत में जो है वहाँ पे होता है, 2 सेमेस्टर है, 4-4 महीने के लिए, मैंने सब कुछ बता दिया है। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, प्रोडक्शन डिजाइन, फंक्शनिंग, मेंटेनेंस ऑफ मरीन इक्विपमेंट एंड इट्स ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है क्योंकि ये करने के बाद आप जाकर के 4th इंजीनियर ही बनते हो, ठीक है। तो ये उसके बारे में बता दिया। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द क्लासरूम ट्रेनिंग, कैडेट्स आर अवार्डेड विद प्री सी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड क्वालिफाइड टू ज्वाइन अ शिप एज एन इंजीनियरिंग कैडेट, इंजन कैडेट इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इंजन साइड में जाने का बेस्ट कोर्स है। अब इसमें आगे चलते हैं, एक दो चीज़ें जो है जो नोट करने वाली हैं वो क्या है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू मरीन प्रोग्राम्स आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू हैव पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, और पासपोर्ट में जो नाम है और जो 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट पे नाम है दोनों में सेम नाम होना चाहिए, उसमें और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपका सरनेम नहीं है तो अभी से काम करना शुरू कर दो, सरनेम के बिना प्रॉब्लम होगी होगी। एडमिशन टू दिस कोर्स इज ग्रांटेड आफ्टर फुलफिलिंग फॉलोइंग मेंशनड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। हर जगह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बट कुछ चीज़ें बेसिक है। जैसे यहाँ पे इनका क्या कहना है कि आपका BE या BTEC होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में, इन तीन में होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, कोई भी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या AICTE से रिकॉग्नाइज होना, अप्रूव्ड बाय AICTE होना चाहिए वो। अब इनका कहना क्या है कि 65% एग्रीगेट मार्क्स भी चाहिए और 65% फाइनल ईयर में भी चाहिए, ये समझ लो। कुछ जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है वो 70% मांगता है, ये 65% मांगता है, हो सकता है कोई 60% भी मांगता हो। अगर आप जाकर के चेक करोगे, जैसे मैं अभी एंग्लो ईस्टर्न पे चेक कर रहा हूँ, ग्रेट ईस्टर्न पे चेक करोगे तो कुछ और होगा। इसके अलावा इनका और क्राइटेरिया है, ये 12th में बोल रहा है, 12th या इक्विवेलेंट में आपके 65% PCM में होने चाहिए,
फ्लीट मैनेजमेंट बोल देता भाई 70% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 70 मांगते हैं वो लोग, तो ये तो खैर 65 ही मांग रहे हैं, या अगर आपने डिप्लोमा किया होगा और तो भी आपका 65% होना चाहिए। तो इस तरीके का इनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद इंग्लिश शुड नॉट हैव ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क्स, फ्लीट मैनेजमेंट पूरा 70 ही मांगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट इनका 28 ईयर्स है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ में 25 ईयर्स होता है, कुछ में 28 ईयर्स होता है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं, तो जनरली सारे फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब आई साइड आपका 6x12 तक भी एक्सेप्टेबल होता है, कोई स्पीच डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, विजुअल एड नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको पूरी फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ के पता चल जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ, आप लोग जाकर के एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैंने ऊपर बताया कि वहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सीट बुकिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है। मोर और लेस लगभग सभी लोगों के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सबके, तो उसमें जैसे भी ये है PAN 1 PAN 2 करके डाला है, तो PAN 1 में यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक के कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसका 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री लेवल सिलेबस, जो भी आप अपनी डिग्री में पढ़ते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे होंगी, उसी लेवल का सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रिटन टेस्ट। उसके बाद दूसरा होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, या ये हो जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी लगभग सभी कंपनीज में लिया ही जाता है, ज़रूरी भी होता है। इसके बाद आपका तीसरा होगा पैनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी अब देखो यहाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल पास द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी नोटिफाइड वाया ईमेल टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डेट्स इधर एट मुंबई और दिल्ली, दो ही जगह पर इंटरव्यू हो रहा है एंग्लो ईस्टर्न का, बाकी सबके अलग अलग होते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फॉर्मल अटायर विद टाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th एंड डिग्री वाले जितने भी होंगे वो सब कुछ आपको लेकर के आने हैं, ठीक है। और इन्होंने इसमें वैसे ये बताया नहीं है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में जनरली क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप ये पर्टिकुलर कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप इंजन साइड को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इंजन के अलग अलग पार्ट और इंजन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आई टेस्ट होगा, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और फिर आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, लगभग सभी इंस्टीट्यूट का प्रोसेस इसी तरीके का होता है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एंग्लो ईस्टर्न के लिए हम देखते हैं, तो एंग्लो ईस्टर्न में यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है 2 बैचेस चल रहे हैं, GME 41 जो है जनवरी 2024 के लिए है, इसके फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुके हैं, सीट यहाँ पे 40 ही है, ड्यूरेशन 8 महीने का है, सब कुछ लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो था वो 1st November था, लेकिन आगे भी अभी फॉर्म ओपन है, तो GME 42 के लिए अभी ओपन है और इसका 1st May है, मतलब इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, अभी से ही फिलअप कर सकते हो, बाद में फिलअप करना चाहो तो बाद में फिलअप कर सकते हो, ब्रोशर व्रोशर डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हो, इन द सेम वे ग्रेट ईस्टर्न पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, IMS गोवा पे चेक करोगे, अच्छे कई सारे कॉलेजेस हैं, IMS गोवा है, गणपत यूनिवर्सिटी में भी GME कराया जाता है, कुछ IMU के कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे GME कराया जाता है, तो आप अलग अलग जगह पर कर सकते हो। मैं जनरली इन प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वैसे यहाँ पे इनिशियली एंग्लो ईस्टर्न ने सारी चीज़ें पहले अपने बारे में बताई है, आप यहाँ पे बोलोगे कि हाँ अगर आप एग्री करते हो, ठीक है, तो आप इसके बाद आगे जा सकते हो, अग्री करोगे यहाँ से तो आप आगे जाओगे, आगे जाओगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपको ये देखना है कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए तो आप एक कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसके अलावा हमारे पास में चीफ इंजीनियर है जो एक हमारे फ्रेंड ही है और एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं वो। अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, रिटन की प्रिपरेशन करनी है, तो आप नीचे जो हमने फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को फिलअप कर दो। जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, केवल उन्हीं बच्चों को हम सेलेक्ट करके वहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे GME के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि रिटन एंड
स्पॉन्सरशिप बोल सकते हो, तो रिटर्न एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम वहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा कुछ और अगर आपके पास डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप उनसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे जीएमई के बारे में, मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बना दिया है। ऑल द बेस्ट गाइस।